landing gear lever. Down. Right control locks are removed. Pull in fuel momentum controls. Okay, we're ready to start. Just check voltage satisfactory. Starting 3, 2, 1, now. ये उड़ान है हौसलों की, ये उड़ान है मेक इन इंडिया की, ये उड़ान है आम आदमी के सपनों को पूरा करने की। आजादी के बाद से भारत ने परिवहन के क्षेत्र में खूब प्रगति की है। पिछले कुछ दशकों में हमने वायु मार्ग में भी इजाफा किया है, लेकिन अब भी कई इलाके और छोटे शहर ऐसे हैं जहां रोजमर्रा के जीवन में एरोप्लेन से जा पाना संभव नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह है विदेशों से आयात होने वाले महंगे नागरिक विमान और महंगे ईंधन। इन्हीं चुनौतियों से निपटने और आम लोगों के सपनों को पर देने के लिए उड़ान भर रहा है डॉर्नियर 228। Certain unique aspects of operations, performance and maintenance, which I'll be able to cover as a test pilot. This aircraft, now we have flown for more than 50 hours. We have not had a single unserviceability, so every time we have been able to complete the mission. It is one of the best aircraft that is available around the world. And of course, it's indigenously made. It's made here at Kanpur. So this is the desi part of it. राजधानी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये है कानपुर शहर। यूं तो इस शहर की कई विशेषताएं हैं, लेकिन अब ये डॉर्नियर सिटी के नाम से भी मशहूर हो रहा है। HLS produced and supplied 135 aircraft to various customers, and we have been supporting the operations of these aircraft from our base in Kanpur, where we have got a full-fledged MRO support along with the manufacturing facilities. The manufacturing facilities also has been certified by the DGCA, and we have got approval for not only for manufacture, we also got approval for maintenance and for training. We know that in the civil operations, the requirements are stringent, and we have to turn around an aircraft much faster than when it is with defense customers. We are geared up for that, and we have special packages meant for operators, wherein we can supply spares and the specialist operators from our side to help them out at any point of time. कानपुर में ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल्के हैंगर, जहां निर्माण हो रहा है डॉर्नियर 228 का। यहां सोच को तकनीक की ऊंचाई मिल रही है, यहां सपनों को हकीकत में बदला जा रहा है, यहां संभावनाओं को संभव बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन के सहारे यहाँ इंजीनियर्स डॉर्नियर 228 के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सबका अपना अपना काम है और उसी के तहत विमान को बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। We have the design capability here since the design center is located, co-located along with the manufacturing divisions. Any kind of a modification which is required can be readily studied and done. ये है structural assembly. यहां विमान का structure तैयार हो रहा है।
विमान के ढांचे को इतने नजदीक से बनते देखना जितना रोचक है उतनी ही इंटरेस्टिंग है ये मशीन। यह है 5-axis CNC प्रोफाइलर। एल्यूमिनियम की 8 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी शीट को ड्रिल करके ये मशीन ढांचा बनाने का काम कर रही है। ये मशीन जरूरत के अनुसार खुद हेड्स भी बदल लेती है। सभी कटिंग न्यूमेरिक कंट्रोल्ड मॉनिटर से नियंत्रित की जाती है। यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कंपोजिट असेंबली। इसमें स्ट्रक्चर को अलग अलग मटेरियल से कवर कर मजबूती प्रदान की जा रही है। इन इंजीनियर्स का कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन देखते ही बनता है। अगर आप इस असेंबली में हैं, तो आपकी नजर एक बार जरूर कुछ देर के लिए ही सही इस मशीन पर टिक जाएगी। यह है पाइप बेंडिंग मशीन। कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत ये जिस ढंग से काम कर रही है वो रोचक है। यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इंस्पेक्शन रूम। सीएनसी रूम में पार्ट्स बनने के बाद इंस्पेक्शन रूम में उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिलाया जाता है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही इंजीनियर उसे ओके करते हैं। यह है इक्यूपिंग एंड कपलिंग असेंबली। इस असेंबली में विमान का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। यही वो असेंबली है जहां विमान में खिड़कियां, बैठने के लिए सीट और शौचालय जैसी चीजें फिट की जाती हैं। इसके विभिन्न पैरामीटर्स को भी यहां फाइनल टच दिया जाता है। ये हल्के वो हैंगर्स हैं जहां शून्य से शुरू होकर डॉर्नियर 228 को एक निश्चित आकार मिल गया है। कुछ विमान पूरी तरह तैयार हैं, तो कुछ एकदम फिट होने की तैयारी में। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ए सिविल वेरिएंट ओनली फॉर यूज ऑन वायुदूत एंड इट हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड विद देम। Further, we have produced some more aircraft, or rather most of the aircraft for defense forces and for some of those we have already exported to friendly countries like Mauritius and Seychelles. सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले डॉर्नियर 228 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अप्रूवल के बाद हल ने 280 नए बदलाव किए हैं। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि उड़ान भरने वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधा और सुकून मिल सके। इसमें 19 यात्री बैठ सकते हैं। अगर VIP लोग सफर कर रहे हैं तो सीटों की संख्या 11 करके उनके लिए टेबल की अरेंजमेंट भी की जा सकती है। इसकी बैगेज क्षमता 330 किलोग्राम की है। इसमें फ्लशिंग टॉयलेट भी है। AC का तापमान 18 से 28 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसमें हेडरूम और लेगरूम का भी खास ध्यान रखा गया है। अब तक आपने हवाई जहाजों के लिए बड़े बड़े रनवे देखे होंगे, लेकिन इसके टेक ऑफ के लिए 762 मीटर और लैंडिंग के लिए सिर्फ 576 मीटर रनवे की जरूरत होती है। विमान का आकार कम होने और नई तकनीकों के प्रयोग के कारण ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम हो गया है। A bigger aircraft will not be economical to operate because of the load factor will not be favorable. And this being a 19-seater, since the passengers will be low, load factor will be high in this. And this is a very economical aircraft, which is the cost of flying, fuel consumption rates are low, and its safety records are very high in this aircraft. And it can take off and land on a, from a very small runway, unprepared runway also, it can be taken off from and land. So this is a very
significant step. इसमें 5-ब्लेड कंपोजिट प्रोपेलर लगा है, जिससे शोर को कम करने और कंपन को घटाने में सहायता मिलती है। साउंड प्रूफिंग का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है। ये पहला ऐसा नागरिक विमान है जो पूरी तरह भारत में निर्मित हुआ है। We have developed a lot of capability here and support the lot of industries through outsourcing of the parts and assemblies of this through the Make in India program. Our entry into civil aviation with Dornier 228 is going to be a game changer as far as Udaan scheme is concerned. Udaan scheme was envisaged by the government for connectivity with especially in the northeast hilly regions and also in Andaman and Nicobar. Dornier 228 ka istemal yatri viman, VIP aircraft, air ambulance, cargo aircraft, एरो स्पोर्ट्स, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जा सकता है। उड़ान योजना को ध्यान में रखकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंटरनल फंडिंग से अब तक 2 डॉर्नियर 228 विमान तैयार किए हैं। The Dornier 228 aircraft is the first made in India product and is the only turboprop meant for civil aviation which is produced in the country. In fact, it's produced from raw material till the final stage in India alone, and we are now offering this aircraft for civil use as part of the Udaan scheme of the government. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकार से कर में छूट की मांग के साथ कई और कोशिशें कर रही है जिससे इसके लागत को कम किया जा सके। We sell it around 7 million US dollars, which is at par with the cost of any other aircraft in the same category. We also have a plan of reducing the cost of the aircraft by way of more efficient manufacturing techniques. And also by reducing the input material costs. उड़ान भरने से पहले विमान की चेकिंग होगी। उड़ान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये पायलट अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पायलट और सह पायलट ने अपनी जगह ले ली है। तो आइए चलते हैं डॉर्नियर 228 के साथ सुनहरे सफर पर। स्टार्टिंग 3, 2, 1, नाउ।